नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह के हाथ से अब बीजेपी निकल चुकी है, आप ये यकीन कर लीजिए, क्योंकि मोदी और शाह 2013 से भाजपा को करीब से देखने वाले सभी लोग जानते हैं कि इनके हुक्म के बाद या इनके एक इशारे के बाद बीजेपी में कुछ भी अपने मन से अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। जो इशारा होगा वही होगा, पत्ता भी हिलेगा तो इशारे पर हिलेगा, मोदी के या शाह के। और भाजपा को तो ऐसा चलाया जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अमित शाह ने जो सोचा वो उनके सेनापति कर देते थे उनके बोलने से पहले, ऐसे चलती थी भाजपा। लेकिन हालात अब ये हो चुके हैं कि अब बोलने में भी डर लगता है कि हम बोलेंगे पलटकर सामने वाला सूद ब्याज के समेत वापस न कर दे हमें। और ये नौबत करवाई है जिस शख्स ने हरियाणा में, खासकर उस शख्स का नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब शाह तो दिल्ली में बैठे हैं, मोदी हरियाणा की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, तो झेलेगा कौन? मनोहर लाल खट्टर। घर में ही मनोहर लाल खट्टर की इस बार बेइज्जती हुई है और उल्टे पांव भागना पड़ा। कहते ना उल्टे पांव वापस, तो उल्टे पांव वापस होना। ये क्या है पूरी कहानी घर में बेइज्जती की? हेमंत अत्री जी से समझेंगे, कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत जी को। हेमंत जी, ये खट्टर साहब अपने ही घर में जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं वहां गए। नायब सिंह सैनी की तो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, वो नायब सिंह सैनी को कोई फर्क भी नहीं है। उनको तो कंबोज साहब ने बोल दिया कि भाई बैठा क्यों है मुख्यमंत्री बन के जब तेरे को कुछ पता ही नहीं है, जब तुझे कुछ पता नहीं तो बैठा क्यों। ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा सलूक मैंने देखा है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे बेइज्जत हो रहा हो। उसके बाद नायब सिंह सैनी की दोबारा बेइज्जती हुई सुभाष बराला के सामने। सुभाष बराला को समझा रहे थे, अभी जो खबर मेरे पास है सुभाष बराला भी जरा सा भी, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सुना रहे हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अकेले लड़ो चुनाव, मुझको भूल जाओ, मैं तो आराम कर रहा हूं। अब जब नायब सिंह सैनी की सीरियल बेइज्जती, ये सीरियल बेइज्जती थी, सीरियल बेइज्जती हो रही थी, तो खट्टर को लगा कि मेरे इशारे पर हरियाणा हिलता है। 10 साल से उनको यही खुशफहमी हो गई थी, निकल पड़े। अपने घर से बेइज्जती की शुरुआत, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, बोहनी हो गई। सुबह सुबह बोहनी, दुकानदार को जो पहला कोई लिया पार्ले बिस्कुट 5 रुपया दिया तो आदमी कहता है दाहिने हाथ से दे दो, बोहनी अच्छी होनी चाहिए। तो इनकी तो बोहनी खराब हो गई, पहले ही निकले थे समझाने के लिए, अपने घर में ही बेइज्जत हो गए। क्या हुआ आशीष जी? सबसे गंभीर स्थिति अब तक की, देखिए आपने देखा तूफान भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तूफान देखा आपने बगावत का, और अब उस तूफान की जो चपेट में पूर्व सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री खड़ाऊ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो दोनों चपेट में आ गए। करनाल सीट आपको पता है, 2 बार से पहले मनोहर लाल खट्टर जो सीएम थे 2 बार वो वहां पे विधायक रहे, उसके बाद नायब सिंह सैनी बाय इलेक्शन में विधायक बन के आए अभी 4 महीने पहले, और मनोहर लाल खट्टर वहां के एमपी आज भी है। और करनाल विधानसभा सीट पर जो वहां की मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उन्होंने ऐसी बगावत की कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई, पूरी भारतीय जनता पार्टी। कल नायब सिंह सैनी साहब गए उनको मनाने के लिए, तो वो नहीं मानी, तो मनोहर लाल जी को लगा होगा कि तुम्हारी बात तो कोई मोड़ ही नहीं सकता, तो आज वो पहुंचे और वो 1.25 घंटा तक उनके घर में रहे, 1.25 घंटा 45 मिनट्स सुपर सीएम और यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड अर्बन डेवलपमेंट मनोहर लाल जी स्वयं वो पहुंचे, 1.25 घंटा तक उन्होंने बात की। और रेणु गुप्ता ने उनको क्या जवाब दिया कि देखिए साहब हम तो चुनाव लड़ेंगे, सर्वे में हमारा नाम नंबर 1 पर था, आप लोगों ने हमारे साथ जाती की। और रेणु गुप्ता कोई ऐसे ही नहीं, 2 बार मेयर रह चुकी है, उनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है थोड़े दिन पहले, 1 बार पार्षदों के जरिए मेयर रही और दूसरी बार डायरेक्ट मेयर चुनी गई करनाल में। और आपके दर्शकों के लिए लाभ के लिए बता दूं कि हरियाणा में जो मेयर का चुनाव आजकल होता है वो डायरेक्ट वोटर चुनते हैं, पार्षदों के जरिए मेयर नहीं चुना जाता।
उसका अर्थ ये है कि करनाल की जो मेयर है उसको जो चुनाव करते हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है निर्वाचकों की, वोटरों की, बनिस्बत के विधायक के चुनाव की। मेयर का एरिया ज्यादा है, मेयर की आबादी ज्यादा है, तो जो चुनी हुई मेयर है वो सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की सत्ता को चुनौती दे रही है, उनके वर्ल्ड को चुनौती दे रही है, उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रही है। और उन्होंने क्या कहा मनोहर लाल जी को कि देखिए हमने अपने जो हमारे वर्कर कहेंगे हम तो वो करेंगे, और मेरे वर्कर्स की 10 तारीख की शाम को मीटिंग है, रात को वर्कर कहेंगे मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, और वर्कर कहेंगे नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगी। यहां तक कि उन्होंने जो मौजूदा ये हैं अपने जिनको टिकट दिया है मनोहर लाल जी के नवरत्नों में से एक है जो जिनको टिकट दिया गया है, जगमोहन आनंद। जगमोहन आनंद पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे करनाल के, और हाल तक मनोहर लाल जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मनोहर लाल जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर यानी के सबसे प्रिय व्यक्ति करनाल के अंदर अपनी कंस्टिट्यूंसी में एज सीएम और एज एमपी ऑल्सो। जगमोहन आनंद के बारे में इनका ये कहना है रेणुबाला गुप्ता का कि उनके जो सर्वे हुआ था पार्टी का उसमें सबसे कम वोट उनके थे, और किन्हीं कारणों के चलते उनको आपने टिकट दी है और हम इससे सहमत भी हैं। ये सारी स्थिति जब मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी हरियाणा की बगावत का क्या होगा। भारतीय जनता, आज मनोहर लाल जी ने और भी कई बातें कही, उन्होंने कहा कि कोई टिकट नहीं बदली जाएगी, भाजपा की संस्कृति नहीं है। तो अगर भाजपा की संस्कृति नहीं है तो जो आपने परसों पेहवा वाली टिकट दिखाई थी अजराना साहब वाली, जो मोदी जी के बारे में क्या ज्ञान बख्श रहे थे सार्वजनिक तौर पर, तो वो भी रहेंगे फिर, तो इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सावित्री जिंदल भी बेशक इंडिपेंडेंट लड़ो, इसका मतलब तो बेशक ये कर्णदेव कंबोज भी बेशक चुनाव लड़ो। कर्णदेव कंबोज तो मेरी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, जिनको मनोहर लाल जी ने, सॉरी नायब सैनी ने फोन भी किया था, उनके घर भी गए थे और हाथ नहीं मिलाया था, ध्यान होगा आपको, नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी को फिर उनको थपकी देनी पड़ी थी। वो कांग्रेस में पहुंच चुके हैं, जा चुके हैं मिलने के लिए, तो किसी भी क्षण कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो बनने से पहले ही फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो 12 तारीख तक तो नामांकन ही है। और अगर इतने एक ये तो खाली इनकी बेइज्जती की बात हो गई, इनकी बेइज्जती तो खैर भाजपा और ये और शाह ये लोग सब एक हो चुके हैं, भाजपा अलग नहीं रह गई, भाजपा की कोई आइडेंटिटी है भाई नहीं, भाजपा मतलब मोदी शाह मतलब भाजपा, वो भाजपा नहीं है। जब भाजपा एक संगठन एक पार्टी के रूप में अलग थी और उसमें अटल अडवाणी मुरली मनोहर भाजपा के जो है तीन दिग्गज हुआ करते थे, तो जो है अब तो मोदी मतलब भाजपा। ये जो क्या आपका है दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल, अहिरवाल में भी बगावत की, अभी तो बगावत का ट्रेलर मुझे लग रहा है, जो मुझे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अभी ये बगावत का ट्रेलर है, अभी ऐसा नहीं है कि बगावत खत्म हो गई थम गई, अब तूफान शांत पड़ चुका है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप के कई झटके आते हैं, कई बार पहले वाले झटके के बाद दूसरा झटका कुछ देर में ही 2 मिनट बाद आता है, वो ज्यादा तीव्रता वाला होता है। तो अभी भूकंप आना बाकी है, और वो भूकंप उस क्षेत्र में आने की आशंका जताई जा रही है जहां से सरकार बनती रही है, अहिरवाल, जिस अहिरवाल में 15 में 14 एक बार जीता 2014 में, और 2019 में 15 में 11 सीट जीती। 15 में 11 जब आपको कुल 47 मिली तब 15 में 14 थी, और जब आप बैसाखी के सहारे आए बहुमत तक भी नहीं पहुंचे तब आपके पास 15 में 11 थी। उस अहिरवाल में राव इंद्रजीत के सामने घुटने टेकते हुए आप दिख रहे हैं, उसके बावजूद राव नरवीर ने आपको धमकी देकर के जबरन आपसे टिकट ले लिया, जबरिया ले लिया। राव इंद्रजीत के सामने आप घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, फिर कैसे वहां पर इतना तूफान मचा हुआ है? नहीं, आज वो जो आपने कहा ना भूकंप, आज वो रिक्टर स्केल के पैमाने पर वो और ज्यादा बढ़ गया है, और तीन लोगों ने वहां पर खुली बगावत कर दी है, तीन लोगों ने, एक ने नहीं, तीन ने। और तीनों कौन लोग हैं आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे। सबसे पहला नाम है पूर्व मंत्री का विक्रम ठेकेदार, उनकी टिकट 2019 में भी काटी थी, याद होगा आपको, और वो मंत्री रहे थोड़े समय के लिए रहे, और वो कोसली से दावेदार थे इस बार, कोसली सीट से।
और उनकी टिकट की जगह टिकट दे दी अनिल डहीना को। तो बहुत सशक्त व्यक्ति है विक्रम ठेकेदार, उन्होंने आज ओपनली कह दिया है कि मैं जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, घोषणा कर दी उन्होंने बाकायदा अपने समर्थकों के बीच। दूसरा नाम जो है वो है सतीश यादव, सतीश खोला। ये कौन है? ये दो चुनाव तो पहले लड़ चुके हैं और फिलहाल जो हरियाणा सरकार की जो परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी है उसके सब कुछ सर्वे सर्वा ये थे, चेयरमैन कह लीजिए जो भी कह लीजिए, ये जो है उनके, ये उनके चेयरमैन ही कहिए आप इनको, पीपी के चेयरमैन, पीपीपी उसके चेयरमैन थे। अब इनकी बैकग्राउंड देखिए आप, सतीश खोला की देखिए, फिर जिलाध्यक्ष भी रही है भाजपा के रेवाड़ी के, इन्होंने 2009 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा सतीश खोला ने, यादव ने, इनको 35,000 वोट मिले साहब, 35,000। और 2014 में फिर इन्होंने इनेलो से टिकट पे चुनाव लड़ा और फिर इनको 35,000 से ज्यादा टिकट मिले, वोट मिले। तो विधानसभा चुनाव में तो मार्जिन ही 5 से 10,000 का है। जो व्यक्ति 35,000 वोट दो बार ले चुका है और उसने खुली घोषणा कर दी है कि मैं तो 11 तारीख को नामांकन भर रहा हूं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो आप भाजपा का सोच सकते हैं क्या होगा। इसी तरीके से एक तीसरा व्यक्ति है प्रशांत उर्फ सनी, ये पूर्व जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, ये पहली बार कह रहे कि 11 तारीख को मैं नामांकन भरूंगा। 2014 और 19 दोनों बार चुनाव लड़ा था इन्होंने निर्दलीय, प्रशांत उर्फ सनी ने, और दोनों बार इनके भी 20,000 से ज्यादा वोट आए थे। तो तीन तो ये सीट होगी पक्की। चौथी का नाम आपने ले दिया बादशाहपुर का, जहां पर श्रीमान नरबीर यादव गए, राव नरबीर सिंह, वहां पर खट्टर किसको टिकट देना चाह रहे थे आप भूले नहीं होंगे शायद, जवाहर यादव को, जो उनके नवरत्न को इंद्रजीत ने कटवा दिया, लेकिन वो जवाहर यादव फिर भी अपने क्या नाम है नरबीर जी अमित शाह से मिलके सारी धमकियां देने के बाद आंख दिखा करके टिकट लेने में कामयाब हो गए। उनका नरबीर क्या हाल करेंगे वो आप बढ़िया सोच सकते हैं, जवाहर क्या करेंगे वो भी आप सोच सकते हैं। ऐसे ही मनोहर लाल जी आपको ध्यान है, जो कोसली सीट है वहां पर उनका एक और नवरत्न था अभिमन्यु राव, जो मनोहर लाल जी का पीए था, फिर नायब सिंह सैनी का ओएसडी बना, उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं किन कारणों से वो टिकट मांग रहा था, उसकी टिकट कटी तो अब ये सारे बगावत करके खड़े हो गए। तो ये सारी स्थिति सामान्य नहीं है अहिरवाल के लिए। एक बात सारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अहिरवाल 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सत्ता का गेटवे है, गेटवे कहिए उसको, और वहां पर तीन तो ये आज की घटना है जो तीन जिन्होंने निर्दलीय आने की खबर वो की। चौथा जो सबसे बड़ी बगावत होने की जो कल आपने खबर चलाई वो थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कोई साधारण हस्ती नहीं, मौजूदा हरियाणा की जो भाजपा है उसमें सीनियर मोस्ट व्यक्ति है रामविलास शर्मा, 5 बार के विधायक है। और मनोहर लाल जी तो उस समय राजनीति में कहां थे मुझे पता नहीं, 1991 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे हरियाणा के, और 2014 में सत्ता में आए भाजपा, उस समय भी रामविलास शर्मा ही अध्यक्ष थे। उनकी सीनियरिटी देखिए आप, और उनको ये कह दिया गया सूत्रों के मुताबिक कि सॉरी आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप चाहे तो अपनी बेटी डॉक्टर आशा को नारनौल से चुनाव लड़वा लीजिए। और उन्होंने जो जानकारी सूत्रों ने बताई कि उन्होंने मना कर दिया अपनी बेटी को लड़ाने से, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। रामविलास शर्मा ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई और वहां पर संकेत दिया हाईकमान को भी, स्टेट की लीडरशिप को भी, एक खास तरह का शक्ति प्रदर्शन करके। तो अगर रामविलास शर्मा की तो जो हरियाणा भाजपा का, अगर उनको अडवाणी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हरियाणा भाजपा के अडवाणी है। और मनोहर लाल और उनके जितने भी जो ये भाजपा के जो भी कर्णधार हैं, अगर उनकी भी टिकट काट देते हैं फिर तो आप साउथ हरियाणा की दशा और दिशा दोनों समझ सकते हैं। ये जो लोग हैं ये बगावत करें ना करें एक अलग पक्ष है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो इनका एक कद है। मैंने आपको किस किस को कितने वोट मिले वो भी आपने देख लिए, दर्शकों को बता दिया। अगर रामविलास भी उस बगावत पर आ गए और भाजपा का क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बार वो कई पार्टों के बीच में फंस गया अहिरवाल को लेकर के। राव इंद्रजीत एक तरफ खींचते हैं, नरबीर जैसे लोग दूसरी तरफ खींचते हैं, जवाहर यादव जैसे लोग तीसरी तरफ खींचते हैं, और रामविलास शर्मा अपना ही वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी का जो गेटवे है उसके लिए बहुत बहुत बड़ी चिंता का एक सबब बन गई है, और इसका निश्चित खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा इस चुनाव के। एक मेरे पास और जानकारी आ रही है, जो आपने नाम गिनाए, गुड़गांव में तो वैसे ही मुसीबत में है, गुड़गांव में दो दो इस्तीफे हो चुके हैं पहले से ही, जीएल शर्मा, नवीन गोयल जी। इसके अलावा रेवाड़ी में
वहां पर एक ही केवल सतीश यादव ने, वहां अरविंद यादव, रणधीर कापड़ीवास, ये तीन अलग अलग बैठकें चल रही हैं। और रणधीर कापड़ीवास ने पिछली बार सुनील मुसेपुर को हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जी, इसके अलावा अटेली से संतोष यादव, इनके नाम पर भी ये इंतजार कर रही है दूसरी सोच सूची की, कि उसमें कहीं इनका नारनौल से नाम आ जाए तो ये एक बार रुक सकती हैं, नहीं तो ये भी तैयारी में है, मतलब ये पहले से तैयारी में। बाकी तो पहले लिस्ट वाले ने एक एक झटका दिया, उनको भी एक एक झटका लगा था, लेकिन संतोष यादव पहले से ही तैयारी में है कि अगर नारनौल भी गया तो फिर निपटेंगे ये अच्छे से जो है भाजपा से। तो ये कई एक एक सीट पे कई मुसीबतें हैं। आशीष जी, संतोष यादव तो डिप्टी स्पीकर रही है, बहुत सीनियर लीडर है, और वो सरेआम कितने दिन से इंद्रजीत को खुली चुनौती दे रही है। वो तो कह रही है कि राजशाही रजवाड़ा नहीं चलेगा, जनता की सुनो, हमारी सुनो। डिप्टी स्पीकर रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, और वो टिकट मांग रही है। उधर से रामविलास की बेटी को टिकट देने की बात। ये सारी परिस्थितियां कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये असाधारण परिस्थितियां हैं। और हालात की गंभीरता का अंदाजा केवल इस बात से लगा सकते हैं आप कि हाईकमान ने कहा कि ये जो विद्रोह हो रहा है इसको तत्काल रोकिए, और उस विद्रोह को रोकने की कोशिश कहां कहां हुई इफेक्टिवली आपके सामने कैमरे के सामने? पहली कोशिश हुई कि कर्णदेव कंबोज को बनाने की। कर्णदेव कंबोज ने नायब सिंह सैनी का क्या हाल किया, आपने टीवी पे ही दिखा दिया, सामने स्क्रीन पे दिखाया, दो हाथ मिलाने से मना कर दिया, फोन पर जो उनको ज्ञान दिया कि तुम्हें अपनी सीट का नहीं पता, तुम मेरा क्या करोगे, इस तरह की बात मुख्यमंत्री को। फिर नायब सिंह सैनी कल अपनी कंस्टिट्यूंसी में गए करनाल के अंदर, और करनाल में उनकी मेयरुल की बात नहीं मानती पूर्व मेयर। मनोहर लाल खट्टर दो बार के सीएम, मौजूदा एमपी, केंद्रीय मंत्री, साउथ ऑल पावरफुल सुपर सीएम, उनकी कंस्टिट्यूएंसी की ही पूर्व मेयर उनकी बात नहीं मान रही, तो बाकी स्टेट में कौन किसकी मानेगा भाई? खट्टर को सैनी को अब मैं साइड कर दे रहा हूं। ये लोग समय के बनाए हुए थे पुतले और समय के साथ ही खत्म हो गए, इनकी कोई नहीं सुनने वाला। सवाल तो मैं मोदी और शाह पे कर रहा हूं, जिनके इशारे से हवा चलती थी, ये चाहते थे कि हवा चले तो चलती थी, नहीं चले तो नहीं चलती थी, रुक जाती थी। क्या भाजपा की कमान, यही फाइनल सवाल है, क्या मैं मान लूं अब ये कि भाजपा मोदी और शाह के मुट्ठी से निकल गई है? अब इस भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, जो एक मोदी का औरा पहले था और उस औरा के बाद औरा बनाया और उसके बाद सिकंजे में कस लिया, मुट्ठी में कैद कर लिया कि जाओगे तो समझ लेना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हुआ है ऐसा? पहले बागियों को हुआ किया कि समझ लेना क्या होगा? लेकिन हरियाणा में बिल्कुल बोल भी नहीं रहे हैं। क्या अब मान लिया जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल, खत्म कंट्रोल इनका? आशीष जी, हरियाणा तो केवल ट्रेलर है, मानकर चलिए हरियाणा केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगी। कुछ दिन रुकी, एक बार चुनाव की घोषणा होता है, उसके बारे में भाव ज्यादा बढ़िया से बताएंगे, उनको एक एक चीज टिप्स पे महाराष्ट्र की याद है। ऐसे ही झारखंड का आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, आपसे बेहतर कौन जानता है वहां। मेरा ये कहना है कि शुरुआत हो चुकी है, और अगर इसको एक लाइन में आप समाप्त करें, केवल एक लाइन में, तो जो 2014 में आपने बोना शुरू किया था उसकी फसल आप 2024 में काटने को बाध्य और अभिशप्त है। क्यों? आपने हरेक राज्य के अंदर अपने स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाने की सोची, अपने स्टाम्प अध्यक्ष बनाने की सोची, जिनका ना तो मासेस से कनेक्ट था, ना जो मास लीडर थे, वो उनकी केवल एक ही क्वालिफिकेशन थी, जो पूरे स्टेट घूम के देखे आप, भजनलाल शर्मा की क्या क्वालिफिकेशन है, मोहन यादव की क्या क्वालिफिकेशन है, मनोहर लाल खट्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, नायब सैनी की देख लीजिए, महाराष्ट्र में फडणवीस की देख लीजिए, अरे साहब गजब देखिए, जिसको आपने दूल्हा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज उसको एक नए नवेले व्यक्ति के नीचे डिप्टी सीएम बना दिया, वो स्वीकार कर रहा है। सीएम डिप्टी सीएम के नीचे सीएम रहा, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गया, मैंने तो आज तक सुना नहीं कभी। और ये जो चीजें हैं ये खत्म होने वाली नहीं है। जो आपने कागजी मुख्यमंत्री स्टेटों पे थोपे थे, जो आपने अध्यक्ष थोपे थे, और जिस तरीके से पार्टी और सरकारों को हाका था, अब उसका हिसाब चुकाने का समय जनता के हाथ में आ गया है। क्योंकि पहली बार 2014 में अच्छे दिन, तमाम स्टेट्स को बका लिया गया, बहका लिया गया, 2019 में पुलवामा की राष्ट्रवाद की लहर, इस बार क्या? ये जो स्थिति है हरियाणा में, आप मान करके चलिए, और मैं तो कहता हूं आपको भाव के साथ एक शो करना चाहिए
कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, हरियाणा की लाइट में वहां किस तरह की सिमरिंग हो रही है, वहां किस तरह की बगावत की चिंगारियां तैयार हो रही है, अभी तो लावा तैयार हो रहा है नीचे नीचे, वहां भी ज्वालामुखी फटेगा। तो हरियाणा की स्थितियां, महाराष्ट्र की स्थितियां, और ये जो ट्रेलर शुरू हुआ है ये केवल ट्रेलर है, इसकी जो चिंगारी है, इसकी जो आवाज है आशीष जी, वो बहुत दूर तक जाएगी, और ये हिसाब चुकाने का समय है। और आपको ध्यान हो, 9 जून को मैंने एक बात कही थी जब परिणाम आए थे, मैंने कहा था कि इस चुनाव को आप गंभीर मत मानिए, ये तो जो होना था सारे देश ने देख लिया। अक्टूबर में जब महाराष्ट्र और सारा ये परिणाम आ जाएंगे, वो है असली एसिड टेस्ट नायब अपने क्या नाम है नरेंद्र मोदी का और उनके चाणक्य का, और वो समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अक्टूबर में नहीं तो नवंबर मध्य तक कराने पड़ेंगे चुनाव, तो होंगे करवाना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव ही नहीं करवाएंगे। बस जब चुनाव होंगे, जब भी होंगे, तो उस चुनाव में राजीव कुमार पर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, राजीव कुमार पर, क्योंकि राजीव कुमार पर अगर नजर ढंग से रखी गई होती तो 240 के बजाय 180 होता, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स करते हैं। तो हरियाणा में भी राजीव कुमार पर नजर रखिए, महाराष्ट्र झारखंड सब जगह पर रखना जरूरी है उन पर नजर। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन ये तय मानिए कि अभी भाजपा मोदी और शाह के चंगुल में नहीं है, और उसकी बड़ी वजह है नेता ऐसा नहीं है कि दुस्साहसी हो गए हैं, नेताओं को ये पता चल गया है कि अब जनता मोदी का साथ छोड़ चुकी है। फाइनल कमेंट हेमंत जी। आशीष जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके संज्ञान में, और लादू दर्शकों के लाभ के लिए, दो दिन से अगर आपने डॉगी मीडिया देखा हो, प्रीपेड मीडिया, सुपारी मीडिया, जो केंद्रीय चैनल जो आजकल है, एक गजब की चीज हो रही है हरियाणा को लेकर के। जो भी हरियाणा की चर्चा जिस भी चैनल पे हो रही है, जिसको सो कॉल्ड मुख्यधारा आप कहते हैं, उसमें मोदी और उनके चाणक्य का फोटो गायब है। उसमें फोटो किसका आ रहा है? नायब सिंह सैनी का, कहीं कहीं जेपी नड्डा का, और उनके सामने किसको दिखाया जा रहा है? राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी कि जो दो आपके जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो अपने आप को कहते हैं, उनका नाम ही बैकड्रॉप से हटा लिया गया है, तो ये कुछ कह रहा है। और ये मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूँ, ये क्या कह रहा है? इस मामले में एक्सपर्ट हैं इस मामले में। जब ये कर्नाटक हारे तो कर्नाटक में स्थानीय लीडरशिप की हार हुई, कर्नाटक बीजेपी के, कर्नाटक के संगठन की हार थी। हिमाचल हारे तो हिमाचल की हाल थी, वो जयराम ठाकुर की हाल थी, मोदी की हाल नहीं थी। ये जीतते जो गांव के प्रधानी भी हैं, गांव प्रधानी मान लिया कोई रामकुमार मिश्रा जीत गए, तो वहां पे बोलना पड़ता है, कहते हैं मोदी जी की मेरी नहीं जीत है, मोदी जी की जीत है। जीतोगे तो मोदी जी की जीत है, और हारोगे तो राम खिलावन की है, वो हार की जिम्मेदारी राम खिलावन की है। मोदी जी सिर्फ जीतने का टैग लेते हैं, सिर्फ जीतने का टैग। आपकी नाकामी आपकी है, और आप कामयाब हुए तो आइए आप चढ़ा जाइए, चढ़ावा वो कामयाबी आप अपने पास नहीं रख सकते। तो ये तो मतलब ये बेसिकली एक नया कल्चर, सामूहिक नेतृत्व भाजपा में बड़ी सब अब वो जुमले हो गए, सब जुमलों की सरकार, जुमलेबाज नेता के बीच सब जुमले हो गए। सामूहिक नेतृत्व हुआ करता था, हार की जिम्मेदारी सबकी होती थी, जीत का श्रेय सबको मिलता था, खत्म। अब जीत का श्रेय एक को, हार की जिम्मेदारी एक को माइनस कर दो सबकी, दो को माइनस कर दो सबकी। फिलहाल इजाजत दीजिए हरियाणा के इस रणभूमि से, और रणभूमि नहीं, अब तो मैं महाभारत कहूंगा आज से, हरियाणा के महाभारत से, हर दिन के युद्ध का हाल। अब हम संजय तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हेमंत अत्री जी संजय की भूमिका में रहें, उनके जरिए आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी महाभारत हो चुका है। ब्रजभूषण ने यहाँ इसको, वैसे भी महाभारत हरियाणा में ही हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो अब बता दिया है द्रौपदी पांडव। तो आज मैंने सवाल किया था दर्शकों से, फिर वो रिपीट कर दे रहा हूं जाते जाते, कि जब द्रौपदी और पांडव बता दिया है, पांडव हुड्डा को इशारा कर दिया, द्रौपदी विनेश को बता दिया, तो फिर शकुनी दुर्योधन और दुशासन कौन है, कौरव कौन है, ये ब्रजभूषण ने खुद ही बता दिया है। बाकी हरियाणा के हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन है वो दुशासन जो दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, और कौन है वो शकुनी जिसने षड्यंत्र रचा, द्रौपदी की चीरहरण का षड्यंत्र रचा, द्युत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा। ये जवाब हरियाणा की जनता देगी। महाभारत की कहानी
हर दिन की कहानी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, इजाजत दीजिए, नमस्कार।